हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मेटामॉर्फोसिस में। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों का बीच में गैप रहा क्योंकि कुछ काम में बिजी रहा, तो फिर से लेके आया हूँ। आज शुरुआत कर रहा हूँ फिर से ग्रामर के वीडियो की, इसलिए बाइलिंगुअल मोड रखने वाला हूँ। और ग्रामर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है किसी भी कॉम्पिटिशन में, जो है फ्रेजेस से रिलेटेड, जो वोकैबुलरी का ही एक पार्ट होता है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 फ्रेजेस, और जो अपने तरीके से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। और उनमें से जो पहला फ्रेज है वो है एक्लिसिस हील, जो आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पर सामने। एक्लिसिस हील एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है और इसके साथ एक बहुत अच्छी माइथोलॉजिकल टेल जुड़ी हुई है। तो मैं ले चलता हूँ आपको उस टेल में, ग्रीस जो ट्रॉय की जो कहानी है, ट्रॉय फिल्म आपने भी देखी होगी। उस ट्रॉय की कहानी में, जैसा कि आपको पता है कि हेक्टर जो है ट्रॉय का बड़ा राजकुमार होता है, उसका एक भाई, वो हेलेन को, जो एगामेमन की वाइफ है, उसको किडनैप करके ले आता है, जो चुपके से लाता है। और फिर बाद में एगामेमन अपनी पूरी सेना लेके ट्रॉय के जो अजय किला होता है उसमें हमला बोलता है। सो उस समय जो है ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस पर जाने कितनी एपिक्स लिखी गई हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो इस लड़ाई में 1.5-2 साल लड़ाई चलती है, और वो लोग ट्रॉय के अंदर नहीं जा पाते हैं किले के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा किला होता है, पूरा शहर अंदर होता है। तो इसमें हेक्टर भी मारा जाता है, बड़ा राजकुमार। लास्ट में वो लोग एक चाल खेलते हैं और सारी सेना को छुपा देते हैं, और ट्रॉय वाले खुश होकर बाहर आके जश्न मनाते हैं। देखते हैं कि लकड़ी का घोड़ा पड़ा हुआ है, और उस लकड़ी के घोड़े को अंदर खींच ले जाते हैं। रात को जश्न होता है, पूरा ट्रॉय डूब जाता है, और फिर ट्रॉय पूरा सोया होता है तो उस घोड़े का पेट खुलता है, और उसमें देवताओं का पुत्र कहलाता है, जो वो एगामेमन की सेना की ओर से होता है। एक्लिस अपने कुछ ब्रेव साथियों के साथ घोड़े के पेट से बाहर निकलता है, और फाटक खोल दिया जाता है, और फिर एक इशारा किया जाता है, और पूरी सेना अंदर, और ट्रॉय का इतना बड़ा किला जो है नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। इसमें एक्लिस हेलेन को ढूंढते हुए जब उसके हेक्टर के छोटे भाई का पीछा करते हुए जाता है, तो उसका छोटा भाई तुरंत एक तीर वहाँ से मारता है, और वो तीर एक्लिस के हील पे लग जाता है, जिसको वरदान होता है कि तू तभी मारा जाएगा जब हील पे कुछ भी आपके होगा, क्योंकि हील में ही उसकी पूरी शक्ति होती है। तो एक्लिस मारा जाता है, और इस तरीके से जो दुनिया का सबसे महान वॉरियर है, वो सबसे कमज़ोर वॉरियर के हाथों मारा गया। तो ये एक माइथोलॉजिकल टेल थी ट्रॉय की। और लेकिन इससे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो मुहावरा बन के आया फ्रेज, वो है एक्लिसिस हील, एंड एक्लिसिस ही सिग्निफाई टू योर वीक पॉइंट, क्योंकि एक्लिस की हील उसका वीक पॉइंट थी जिसमें वो मारा गया, उसका अंत हुआ। सो एक्लिसिस हील मीन वीक पॉइंट ऑफ समबडी और समथिंग। सो वी कैन यूज़ दिस फ्रेज लाइक ग्रामर इज़ माई एक्लिसिस व्हील हील, और वी कैन से दैट मैथमेटिक्स इज़ माई एक्लिसिस हील, और वी कैन ऑल्सो से दैट ग्रीडीनेस इज हिज एक्लिसिस हील। तो सिम्बॉलिकली हम ग्रीडीनेस को भी एक्लिसिस हील दिखा सकते हैं। तो ये पहला फ्रेज था दोस्तों। दूसरा फ्रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है कैंगरूज कोर्ट, जो आपके स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है। कैंगरूज कोर्ट जो है एक बहुत ही सोशियोलॉजिकल मसला भी है, क्योंकि एक सीधे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगैलिटीज से भी जुड़ता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने सुना है कि कुछ खाप पंचायतें होती हैं हरियाणा में, और कुछ राजस्थान में, और कई जगह कई प्रदेशों में हमने खबर सुनी है कि कोई जो है अपने मन से या अपने हिसाब से कुछ सजाएं सुना दी जाती हैं, और जिसमें कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता, और उसमें जो है कई बार जान भी चले जाती है, और ये पूरा मामला दबा रहता है क्योंकि गांव वाले को इसको बताते नहीं। लेकिन ये जो फैसले सुनाए जाते हैं पूरी तरीके से इलीगल है, और किसी को इसकी अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसी तरीके के कोर्ट जो गाँव में लोकल पंचायतों में कर दिए जाते हैं जो फैसले, इनको अनऑफिशियल कोर्ट कहा जाता है। तो कैंगरूज कोर्ट एक्चुअली यही जो है तरीका है जस्टिस का या किसी डिसीजन को लेने का, जो लीगल नहीं है, मान्य नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। सो कैंगरूज कोर्ट मींस अनऑफिशियल कोर्ट। ये दूसरा मुहावरा था। थर्ड फ्रेज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड फ्रेज सेज दैट बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स ये भी एक सिम्बॉलिकल है। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि लगता है कि बस स्किन ने उनकी हड्डियों को कैद करके रखा है, जैसे ही हम स्किन खोलेंगे तो हड्डियां बाहर। सो इट मींस इट्स लाइक ए बैग कि जहां पर हड्डियां अटकी हुई हैं।
तो जब बहुत एक्सट्रीमली कोई वीक होता है तो उसको हम बैग ऑफ बोन्स कहते हैं। और बैग ऑफ बोन्स जो है एक ऐसा फ्रेज है जो इनिशियली एकदम से समझ में नहीं आता कि बैक किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बैक बेसिकली उस स्किन को रिप्रेजेंट करता है जिसने हड्डियों को कवर किया है, क्योंकि जितने भी फ्रेज बनाए जाते हैं वो सिम्बॉलिकल ज़्यादा होते हैं बजाय लिटरल मीनिंग के। सो बैक ऑफ बोन्स का मतलब है कि एक बहुत कमज़ोर आदमी। सो यू कैन से दैट द पर्सन हु वॉज कमिंग वॉज मियरली अ बैग ऑफ बोन्स। तो इसका मतलब है जो व्यक्ति मेरी ओर को आ रहा था वो काफ़ी कमज़ोर था, एक्सट्रीमली वीक था। तो ये तीन मुहावरे हमने किए हैं और दिस वाज द फर्स्ट वीडियो आफ्टर मैनी डेज। अब मैं लिटरेचर सीरीज़ और ग्रामर सीरीज़ में भी इसको डालता रहूँगा एंड आई होप यू विल कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड पुटिंग फोर्थ यूर डिमांड्स एंड कमेंटिंग ऑफकोर्स। सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय, सी यू।